नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों के साथ कहीं दर्द आया तो कहीं खुशी भी मिली है, कहीं इतिहास बन गया है तो कहीं परंपरा चली है। पर जब हम बात उत्तर प्रदेश की वीआईपी की सीटों की करें तो सुल्तानपुर का नाम सामने आएगा। यहां भाजपा के मुख्य चेहरों में एक मेनका गांधी को सुल्तानपुर की उम्मीदवारी दी गई थी। यहां समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने इतिहास बनाते हुए मेनका गांधी को हरा दिया। 4 जून को जनादेश जो आया है बहुत कुछ देने वाला है। संजीवनी भी दी है, सबक भी दिया है, संदेश भी दिया है। फिलहाल जो यहाँ पर संजीवनी मिली है वो यहाँ समाजवादी पार्टी को मिली है और इतिहास बना लिया है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना। हमारे साथ मौजूद है सुल्तानपुर से सांसद राम भुआल निषाद जी। उनसे जानेंगे क्या वजह रही इस जीत की और किस तरह इतना बड़ा इतिहास बनाया है। क्या बोलेंगे इस जीत पर? जीत पर खुशी, बहुत खुशी है और साथ ही साथ सुल्तानपुर की जनता उपेक्षित थी और ये लड़ाई सुल्तानपुर की जनता लड़ी है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व वहाँ से चुनाव जितवाया है। प्रतिद्वंदी मेनका गांधी बड़ा नाम था और लगातार जीतती आ रही थी, पर यहाँ पर आपने इतिहास रचा है। आधार क्या रहा, कैसे उनकी रणनीति को और उनको हरा कर उसकी सत्ता पर आसीन पार्टियों में एक थी? हम अपना चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे थे और रणनीति बनाई और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया उसके तहत हमने काम किया और सफलता मिली। क्या मानते हैं कितनी बड़ी संजीवनी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिली है, क्योंकि आगे जाकर 27 का चुनाव भी है? 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके लिए हम एड़ी से चोटी लगा के इस सब पूर्वांचल की सभी सीटों को समाजवादी पार्टी के खाते में डलवाएंगे। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। सांसद बने हैं सुल्तानपुर के, अब यहाँ पर सुल्तानपुर की जनता को क्या मिलने वाला आपके द्वारा? सुल्तानपुर की जनता को सम्मान मिलेगा। वो जो सदियों से उपेक्षित थे उनको सम्मान मिलेगा, उनका काम होगा, उनके सुख दुख के साथी बनेंगे, उनके बीच उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता रहेगी उसको पूरा करेंगे और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी लोगों का सहयोग रहा इसमें, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, और इन लोगों ने एड़ी से चोटी लगाकर कोई कसर नहीं छोड़ा चुनाव जीतवाने में। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो जीत हुई है ये आपकी पार्टी की जीत है या आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी रही, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत बड़ा महत्व रखता है इतनी बड़ी शख्सियत को हराने के पीछे? सबसे पहले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे नेता की जीत है, उसके बाद सुल्तानपुर की महान जनता की जीत है। हम तो एक वहाँ प्रत्याशी थे, सिंबल थे, काम तो जनता ने किया, हमारे पार्टी का कुशल नेतृत्व ने काम किया है। यह सारे श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है, जनता को, पार्टी को, अपने समर्थकों। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद। उनका कहना है कि ये जीत समाजवादी पार्टी की जीत है, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत पदाधिकारियों की जीत है, क्योंकि ये मेहनत रंग लाई है और जो नारा हमने दिया उस नारे की ये जीत है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार विकास भी करेगी और आने वाले 27 चुनाव में सरकार भी बनाने जा रही है। अब सरकार बनेगी 27 में या नहीं बनेगी वो समय बताएगा, पर जीत उत्साह और लगन दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है 27 के चुनाव के लिए। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।